राजस्थान वो धरती है कि हिंदुस्तान की किसी प्रदेश में वो चीजें नहीं मिलेगी जो राजस्थान में। आज आर्ट देखो तो राजस्थान, हिस्ट्री देखो तो राजस्थान, कल्चर देखो तो राजस्थान, हवेलियां देखो तो राजस्थान, किले देखो तो राजस्थान, झीलें देखो तो उदयपुर में राजस्थान, डेजर्ट देखो तो जैसलमेर राजस्थान, और वाइल्ड लाइफ में टाइगर देखो तो राजस्थान, दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी भरतपुर में घना देखो तो राजस्थान। उस राजस्थान में दुनिया का टूरिस्ट आना चाहता है, अगर हिंदुस्तान आने वाला टूरिस्ट है तो मैक्सिमम परसेंटेज उसका इस बात का है कि राजस्थान जाऊं। उस राजस्थान को पोटेंशियल और बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि टूरिज्म सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ें। उस राजस्थान के अंदर एग्रोबेस इंडस्ट्रीज की निश्चित रूप से आज कमी है, जिस प्रकार से वहां के किसान ने रिजल्ट दिया है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज की जरूरत है। आज माइनिंग के सेक्टर में राजस्थान बहुत से प्रदेशों को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी तादाद में मार्बल राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है आपको अनुमान होगा। ग्रेनाइट में आंध्र प्रदेश आगे हो सकता है, लेकिन राजस्थान से आया हुआ मार्बल ही मैंने यहां आंध्र प्रदेश के बंगलों में देखा है, मंदिरों में देखा है। आज राजस्थान उन प्रदेशों में है कि हिंदुस्तान की हिफाजत का जब प्रश्न आता है, सीना चौड़ा करके गोली खाने वाले लोग अगर मिलेंगे तो 50% से अधिक, बल्कि 70% से अधिक आपको राजस्थान के लोग मिलेंगे। कारगिल में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, शायद मुझे कहते हुए आश्चर्य नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश के लोगों ने शहादत दी है तो राजस्थान के लोगों ने दी है। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि उस धरती से आप लोग जुड़े हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि धरती से जुड़ाव इस पीढ़ी को तो है, लेकिन केवल इस पीढ़ी को यह पता है कि हम राजस्थान से हैं, हमारा गांव वो है, जाना आना 2 साल 5 साल 10 साल से होता या नहीं। आज एक सज्जन से मैंने पूछा, बोले 200 साल से हम यहां हैं। पीछे से बोले ये तो पता नहीं राजस्थान से है।